हेलो फ्रेंड, माय नेम इज करुण बहल और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आर्चिल 8 की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर का यूजर और ग्रुप ओनरशिप चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसका नेम है हाउ टू चेंज यूजर एंड ग्रुप ओनरशिप ऑफ एनी फाइल्स एंड फोल्डर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि कोई भी कमांड आपसे स्किप ना हो और आप इजिली सीख सके कि कैसे आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर का यूजर और ग्रुप ओनरशिप चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लिनक्स मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको सिंपली किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर की परमिशन चेक करनी है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं, जैसे ls कमांड से हम लिस्टिंग कर लेते हैं कि जैसे देखिए हमारे पास एक anaconda-k-cfg फाइल है। इस फाइल को आपको परमिशन चेक करनी है या इसका यूजर ओनरशिप कौन है और ग्रुप ओनरशिप कौन है। तो उसके लिए देखिए मैं ls-l कर रहा हूँ, तो इससे मुझे पता चल गया जो आपका जो फर्स्ट rw-n दिख रहा है, ये फाइल्स की परमिशन को डिनोट करता है। देन उसके बाद देखिए रूट एंड रूट, जो पहला रूट कॉलन है ये आपको डिफाइन कर रहा है फाइल का ओनरशिप, और दूसरा जो होता है ये ग्रुप का ओनरशिप होता है। आप इजीली यूजर ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड chown कमांड और chgrp कमांड। तो इन कमांड की हेल्प से आप इजीली किसी भी फाइल और फोल्डर का ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेम लाइक दैट किसी फोल्डर का चेक करना है, तो आप ls-ld करके, जैसे मुझे डेस्कटॉप का चेक करना है, तो देखिए इसका भी यूजर ओनरशिप है रूट और ग्रुप ओनरशिप क्या है रूट। तो चलिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आप किसी भी यूजर का ओनरशिप चेंज करेंगे। फाइल क्रिएट कर ली हमने, जैसे फाइल वन, और एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir डेटा। तो देखिए जोन सा यूजर फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करता है वही उसका ओनर और प्राइमरी ग्रुप का जो ओनर होता है वही उसको डिफाइन हो जाता है। देखिए जैसे मैंने ls-l फाइल वन किया, तो अभी रूट यूजर से हम लॉगिन है, तो इसलिए उसका ओनरशिप भी रूट है और ग्रुप ओनरशिप भी रूट है। क्लियर? अगर आप किसी लिमिटेड यूजर से फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसका जो भी यूजर नेम होगा वही फाइल का ओनर और वही फाइल का ग्रुप ओनर होएगा। क्लियर? बट बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइल वन का ओनर बनाना है करुण, और जिसको भी आप ओनर क्रिएट कर रहे हैं तो पहले वो यूजर क्रिएट होना चाहिए आपकी मशीन में। तो करुण यूजर मेरे मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं फाइल वन का यूजर ओनरशिप चेंज कर रहा हूँ करुण को। तो देखिए उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे chown, और देन आपको मेंशन करना है जिसको आपको ये ओनरशिप देनी है फाइल की, और देन फाइल नेम। तो देखिए इजिली आपका चेंज हो गया, आप चेक कर सकते हैं ls-l और फाइल वन। तो देखिए जहाँ आपको रूट विजिबल हो रहा था वहाँ आपको करुण विजिबल होने लग गया है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर का यूजर ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट अगर आपको फोल्डर का चेंज करना है तो आप कमांड रन करेंगे chown देन यूजर नेम देन फोल्डर नेम डेटा। तो देखिए ls-ld एंड डेटा। तो इस तरह से आपने फोल्डर का भी चेंज कर लिया है यूजर ओनरशिप। और अगर आपको ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है, तो ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे chgrp देन यूजर नेम या फिर ग्रुप नेम। यहाँ पर हम ग्रुप का नेम चेंज कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई अदर ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप का नेम भी दे सकते हैं, और नहीं तो जो भी यूजर क्रिएट होता है वो अपने आप में उसका एक प्राइमरी ग्रुप होता है, तो आप यूजर का नेम भी दे सकते हैं। चलिए मैं डेटा डायरेक्टरी का ही चेंज करके दिखा देता हूँ ls-ld और डेटा। तो देखिए इस तरह से जो पहले रूट था अब क्या हो गया, करुण हो गया।
तो इस तरह से आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर का यूजरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। और अगर देखिए जैसे एनाकोंडा फाइल का मैं आपको परमिशन दिखाता हूं कि उसका ओनरशिप रूट है, ग्रुप ओनरशिप भी रूट है। आप चाह रहे हैं कि जो भी ओनरशिप या ग्रुप ओनरशिप इस फाइल को मिला हो सेम लाइक दैट मेरे किसी फाइल्स एंड फोल्डर को मिल जाए, तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे कमांड को, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे chown -reference। और हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, एनाकोंडा ks-cfg फाइल का, और किसको हमें देना है ये, और हम दे देते हैं फाइल वन को। तो देखिए अब ls-ld करेंगे तो फाइल वन को चेक करेंगे तो रूट और रूट आपको विजिबल होने लग गए। जहां पर मेरा ऊपर देखिए आपने करुण किया था, अब वहां पर क्या आने लग गया, रूट आने लगे, क्योंकि आपने रेफरेंस लिया था एनाकोंडा फाइल का, और एनाकोंडा फाइल का जो यूजर और ग्रुप ओनर कौन था, रूट था। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का रेफरेंस लेके भी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। और सेम लाइक दैट ये कमांड आप chgrp के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेंज ग्रुप करके दिखा देता हूं। reference is equal to desktop और हम डायरेक्टली ले लेते हैं डेटा ls-ld और डेटा। तो देखिए इसका पहले ही रूट था तो आपको कुछ पता नहीं चला होगा, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसका ग्रुप चेंज कर देता हूँ कार्तिक और डेटा। और अभी आप देखेंगे ls-ld और डेटा, तो इसका जो यूजर ओनरशिप जो है वो करुण के पास है और ग्रुप ओनरशिप जो है वो कार्तिक के पास है। अब आप चाह रहे हैं कि जो डेस्कटॉप डायरेक्टरी के पास जो ग्रुप ओनरशिप है वही ओनरशिप मेरे डेटा डायरेक्टरी को मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे chgrp -reference इज इक्वल टू डेस्कटॉप और हम दे देंगे डेटा डायरेक्टरी को। तो अब आप कमांड चलाएंगे तो देखिए कार्तिक से क्या आ गया, रूट आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का रेफरेंस लेकर भी उसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। सपोज आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी आपने डेटा, उसके अंदर भी मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं। सपोज मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी mkdir राहुल, और राहुल के अंदर मैंने कर दी अमित, इसके साथ हम हाइफन पी लगा देते हैं, ठीक है। और अभी आप ls-ld राहुल करेंगे तो आपका यूजर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है, और अगर आप अमित का चेक करेंगे तो उसका भी रूट है। क्यों? क्योंकि हम रूट यूजर से लॉगिन है। अब आप चाह रहे हैं कि चाहे वो मेरा रूट डायरेक्टरी हो चाहे उसकी सब डायरेक्टरी हो, तो इन सब पे जो भी मैं ग्रुप बताऊंगा वो ग्रुप सभी फाइलों और फोल्डर पे इंप्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे कमांड को, आप chgrp, जैसे मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी डेटा डायरेक्टरी है उसका और देन उसके जितने भी सब फोल्डर है सबका जो ग्रुप ओनर है वो कार्तिक हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे इसके साथ एक ऑप्शन यूज करेंगे -r, और डॉट सिंबल का मतलब है कि जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है आप उसको रिप्रेजेंट करें। तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेटा है, और देन उसके साथ जितने भी सब फोल्डर है उसका भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब मैं आपको ls-ld डॉट करके दिखा रहा हूँ तो देखिए डेटा डायरेक्टरी का ग्रुप कौन हो गया, कार्तिक हो गया, और आप इसके अंदर राहुल को देखिए तो राहुल का भी कार्तिक हो गया, और राहुल के अंदर अमित का भी कार्तिक। इस तरह से आप सभी का चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपका रूट डायरेक्टरी हो, पेरेंट डायरेक्टरी हो या सब डायरेक्टरी हो, तो एक साथ सभी का ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और अब मैं आपको दो कमांड बताई थी कि ओनरशिप चेंज करने के लिए आपको chown कमांड यूज करनी पड़ेगी, ग्रुप चेंज करने के लिए
जीआरपी कमांड यूज करनी पड़े। अगर आपको एक ही कमांड के साथ ओनरशिप भी चेंज करना है और ग्रुप ओनर भी चेंज करना है तो आप कमांड यूज करेंगे सी एच ओन, देन पहले आप मेंशन कर देंगे यूजर ओनरशिप, देन कोलन लगा के जो आप अपने ग्रुप को नेम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं कार्तिक, और देन उसके बाद हम दे देते हैं फाइल वन, सॉरी डेटा वन के अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं, फाइल वन नहीं है तो ये हमारी रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर है तो हम उसको दे देते हैं। तो इस तरह से आप यूजर ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं और ग्रुप ओनरशिप भी चेंज कर सकते हैं सिंगल कमांड से। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, देखिए मेरा जो यूजर ओनरशिप रूट हो गया और मेरा जो ग्रुप ओनरशिप था वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब सिंगल कमांड से दोनों चीज को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यूजर नेम नहीं पता है, आपको यूआईडी और जीआईडी पता है और आपको यूआईडी और जीआईडी की हेल्प से यूजर नेम और ग्रुप ओनरशिप चेंज करनी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं आपको चेक करना है जैसे टेल ईटीसी पास डब्ल्यूडी, तो देखिए जो मेरा एसएसएचडी जो यूजर है उसकी जो यूआईडी और जीआईडी 74 है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो मेरी फाइल वन है उसका ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप एसएसएचडी बन जाए। तो आप जरूरी नहीं है कि आप यूजर नेम मेंशन करें, आप जीआईडी और यूआईडी भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, हम डेटा डायरेक्टरी के ऊपर चेंज करके दिखाते हैं आपको सी एच ओन, और यहाँ पर हमारी जो यू आई डी है 74, देन 74 और डायरेक्टरी नेम दे देता हूँ मैं डेटा, तो मैं ऑलरेडी डेटा के अंदर हूँ तो इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। तो अब आप देखेंगे तो देखिए आपका यूजर ओनरशिप भी एस एस एच डी हो गया और ग्रुप आई डी भी क्या हो गया एस एस एच डी। तो इस तरह से आप यू आई डी और जी आई डी की हेल्प से भी यूजर ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर का यूजर ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर एच एल 8 की नॉलेज गेन कर सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके डायरेक्ट आपके फोन में अवेलेबल होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।